बहुत कम लोग ही जानते हैं कि रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल डायरेक्टर रामानंद सागर की पहली पसंद नहीं थे। आइए उठाता हूँ पर्दा एक ऐसी गुमनाम कहानी के बारे में जिन्हें लोग जानना चाहते हैं। भगवान राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल का जादू आज भी लोगों के जेहन में बरकरार है। कितने ही एक्टर भगवान राम का रोल कर चुके हैं, लेकिन अरुण गोविल आज भी लोगों की पहली पसंद है। अरुण गोविल ने एक इंटरव्यू में बताया कि रामायण बनाने वाले रामानंद सागर ने उनका जब ऑडिशन लिया था तो वो उन्हें भगवान राम के किरदार के लिए जचे नहीं थे। अरुण गोविल ने आगे बताया कि रामानंद सागर ने मेरा ऑडिशन लिया और मुझे रिजेक्ट कर दिया। उनके बेटे प्रेम सागर, मोती सागर और आनंद सागर ने मुझसे कहा कि मैं भरत या लक्ष्मण का किरदार निभा लूं, लेकिन मैंने कहा कि मैं भगवान राम की भूमिका निभाना चाहता हूं। अगर मैं इसके लिए उपयुक्त नहीं तो कोई बात नहीं। अरुण गोविल ने आगे इंटरव्यू में जिक्र किया है कि श्री राम के किरदार के लिए किसी दूसरे एक्टर को सिलेक्ट कर लिया गया। हालांकि फिर कुछ दिनों के बाद मेकर्स ने दोबारा उन्हें कॉल किया और कहा कि भगवान राम का किरदार उन्हें ही निभाना है। अरुण गोविल कहते हैं कि भगवान राम का किरदार निभाने से उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। दोस्तों बताते चलूं कि टीवी सीरियल रामायण का निर्माण, लेखन और निर्देशन रामानंद सागर ने किया था। 78 एपिसोड वाला ये टीवी शो 1987 से 88 तक दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था और कोरोना काल में इसे फिर से टेलीकास्ट किया गया।